लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था रे ऑप्टिक्स पे, वो बेसिकली था हमारा सिल्वर मिररिंग पे था, राइट, जिसपे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ऑफ वन सरफेस, राइट, ठीक है। तो मुझे इतना बता दो गाइस, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लास्ट सम जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, तो मैं, या तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, वो सिर्फ हैंड रेस करें। ओके, ठीक है। अच्छा, एक एक आता है। ओके, ठीक है गाइस, नो इश्यूज। मैं क्या करने वाला हूँ, जो कल लास्ट वीक को जो मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था, मैंने उसमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए थे, मैं आज बताऊंगा। और आज हमें फटाफट से दो सम्स करने हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, आज हमें, ठीक है। तो सब लोग प्लीज ध्यान दें, और वही सेम कॉन्सेप्ट पे, कुछ अलग नहीं है। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था ना लास्ट लेक्चर में, वो अभी ये लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो एकदम माइंड सेट करके बैठो, एकदम दिमाग लगा के बैठो, जो जरूरत है चीजें सारे बताने वाला आप लोग को धीरे धीरे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं चीजें कुछ क्लियर कर दूंगा, सब लोग को बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ मैं। देखो, आपके पास ऐसा आ सकता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, साइड में आपके पास ये शेडिंग, मतलब मिरर शेडिंग, मिरर सिल्वर सिल्वरिंग मिरर है ये वाला साइड वाला तुम्हारा। तो पूरा सिस्टम तुम्हारा किसमें फॉलो होता है, पूरा सिस्टम किसमें फॉलो होता है, मिरर में फॉलो होता है, ठीक है। तुम्हें, आप लोगों को सिर्फ जो यहाँ पे आपको लेंस नजर आ रहा है, सिर्फ आपको कॉन्वेक्स लेंस ही नहीं, आपको कॉन्केव लेंस में नजर आएगा, ठीक है, आपको प्लेनो कॉन्वेक्स में नजर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेनो कॉन्वेक्स, और कुछ बताऊंगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस हमारा प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सिल्वर मिररिंग है, समझ रहे हो, ठीक है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, देखो ऐसा भी आ सकता है सरफेस, और आगे भी देखेंगे हम धीरे धीरे। तो ये पूरा सिस्टम जो है किस तरीके से एक्ट करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, या तो फिर प्लेन मिरर भी की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके गाइस, प्लीज सब लोग ध्यान दे, प्लीज ध्यान देना, फुल कॉन्सेंट्रेट करो गाइस। अच्छा, मुझे कुछ चीजें प्लेन मिरर के बारे में बतानी है, मैं आप लोगों को क्लियर करके देता हूँ, प्लीज सब लोग सुनना अच्छे से। प्लेन मिरर मतलब स्ट्रेट, ये अपना प्लेन मिरर होता है, यहाँ पे मान लो शेडिंग है ऐसे, ये हमारा सिल्वर मिररिंग है, ठीक है। फाइन, यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं, क्योंकि आज लगने वाला है, इसलिए मैं सब लोगों को चीजें बहुत क्लियर करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो अच्छे से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर बनेगा। कब? जब वो प्लेन मिरर होगा तब। जब वो प्लेन मिरर होगा तब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, सेम होगा। मतलब देखो ना, खुद को अगर तुम आईने के सामने खड़ा करोगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे तुम्हें उसकी इमेज नजर आएगी, ठीक है। सो दैट्स द थिंग गाइस, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, वो ही तुम्हारे इमेज का डिस्टेंस होता है, याद रखो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका एकदम ध्यान देना। ओके, प्लेन मिरर में इसका जो रेडियस होते हैं, रेडियस वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब इंफिनिटी होता है इसका रेडियस, ये याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। ये छोटी छोटी चीजें सारी हमें लगने वाली है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस, ठीक है। फाइन, ओके, नाउ अभी क्या बोल रहा था, हाँ, नेक्स्ट इज सेकेंड। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा था उस दिन भी, तुम्हें बताया मैंने कुछ कि देखो, ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है, ये भी आपके पास लेंस है, ठीक है, और ये आपका बनता है मिरर का पार्ट पूरा, ठीक है। तो दो लेंस और एक मिरर, तो मतलब बेसिकली पूरा हमारा मिरर का ही सिस्टम है, सब समझ रहे हो, ठीक है। देखो, ये एक लेंस, ये एक लेंस, और शेडिंग वाला पार्ट जो सिल्वर मिरर रहेंगे, वो आपका मिरर बन जाता है, ये वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम है तुम्हारा मिरर बन जाता है। अच्छा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी लास्ट वीक भी,
कि अगर आप लोगों को पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस मैंने लास्ट वीक ही बताया था, अगर आप पावर ऑफ लेंस आपको फाइंड करना है तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, फाइन। अगर पावर ऑफ मिरर आपको फाइंड करना है तो हमेशा वो नेगेटिव होता है, ऐसे। गॉट दिस? ठीक है, फाइन। मुझे बताओ पीई, पीई मतलब क्या होता है? पीई मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पावर होती है। तो मुझे बताओ गए इक्विवेलेंट पावर मतलब ये प्लस ये सारा सारा ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे लेंस देखो, यहाँ पे कितना लेंस हमारे पास दो है, तो पी एल बाद में पी एल बाद में यहाँ पे क्या जाएगा मिरर, वैसा, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसे पूरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से एक्ट हो रहा है, मिरर की तरह ही एक्ट होने वाला है, समझ में आया? तो इक्विवेलेंट पावर भी आएगा तो वो क्या आने वाला है, मिरर के हिसाब से इसका इक्विवेलेंट पावर आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा माइनस वन अपॉन एफ ई आएगा, ठीक है, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, देखो एफ एल प्लस वन अपॉन एफ एल, ठीक है, ये सिर्फ नेगेटिव आएगा बिकॉज ये मिरर है, ठीक है। क्या सब लोग को समझ में आया है तो प्लीज बता दो गाइस, अगर नहीं समझाओगे तो मुझे बता दो, सबको क्लियर है यहां तक? गाइस आर यू क्लियर? किसी को डाउट है यहां तक? पक्का नहीं है? ठीक है, देख लो आगे, देख लो। अगर देखो यहां पे ये आपका एयर वाला एरिया है, ये भी आपका एयर वाला एरिया है, ठीक है, फाइन। तो एयर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको म्यू वन पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, एयर की हमेशा वन होती है, ठीक है। ये लेंस है, लेंस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है लेंस, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू पकड़, मतलब 1.5 होता है, ठीक है, डिफर करता है वो उसकी थिकनेस, कितनी थिकनेस है उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल देगा, और वो हमें क्वेश्चन बता देता है कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी, ठीक है, फाइन। तो अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, किसका लेंस का अगर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन माइनस वन, ठीक है, वन अपॉन दिस इज आर वन माइनस वन अपॉन दिस इज आर टू, ये होता है, ठीक है। फिफ्थ, अगर मिरर का फाइंड करना है फोकल लेंस, ठीक है, अगर मिरर का डायरेक्ट फाइंड करना है तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का अगर फाइंड करना है, तो यहाँ पे दिस इज रेडियस अपॉन डिवाइडेड बाय टू होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है, सब लोग को आई थिंक सब लोग को पता होगा ये, ठीक है, फाइन, मतलब जनरली तो ये नेगेटिव में आएगा आपका। सिक्स्थ, ओके, और लास्ट में आप लोगों को यूज करना है मिरर इक्वेशन ही, क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें है तुम्हारा, मिरर में ही बना हुआ है, इसलिए लास्ट में अगर तुम्हें इमेज डिस्टेंस बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है, ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, ये पूरे सिस्टम में जिसमें तुम्हारे पास सिल्वर मिररिंग है उसमें आप लोगों को फाइनल मिरर इक्वेशन ही यूज करना है, बिकॉज ये पूरा सिस्टम मिरर इक्वेशन की तरह ही एक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन एफ ई आएगा, ठीक है, मतलब हमें एफ ई निकालना पड़ेगा, फिर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन क्या आ जाता है यू, इसके थ्रू जो इमेज डिस्टेंस मिसिंग है वो निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस क्या आप सब लोगों को क्लियर हुआ है क्या चीजें, तो मुझे बताओ, तो ही मैं आगे जाता हूँ। दो न्यूमेरिकल्स लेने का है, जबरदस्त वाले लेने हमें दो न्यूमेरिकल, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो गाइस सबको क्लियर हुआ है क्या चीजें, तो मुझे बता दो। हाँ सर। किसी को कुछ भी डाउट है, एनीवन? प्लेन मिरर के बारे में समझ में आया है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का डिस्टेंस होता है, उसका रेडियस हमेशा क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, क्लियर है एनीवन गाइस? जिसको क्लियर नहीं है पक्का समझाइए। ओके, तो आई थिंक गाइस लास्ट वीक सब लोगों ने लिख लिया था ये वाला चीज़ है, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है मैंने वापस से। अब मैं फटाफट से दो सम्स लेता हूँ गाइस, ठीक है, और आज का सिल्वर मिररिंग ऑफ वन सरफेस मैं कंप्लीटली खत्म करता हूँ, ठीक है, तो इरेज कर दो ना गाइस, सब लोग लास्ट वीक लिखा ही था ना ये वाला, कर दो ना इरेज, कोई लिख रहा है क्या? रब कर दो, वही सेम रिपीटली लिखा है मैंने, और कुछ लिखा है। हाँ सर, प्लेन मिरर के बारे में ध्यान रखना है, ये और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, याद रखो, क्योंकि आज हमारे कुछ क्वेश्चंस प्लेन मिरर के बारे में हो सकते हैं, दो क्वेश्चन हमारे जिसमें प्लेन मिरर भी आ सकता है, तो प्लीज सब लोग अच्छे से सुनना और उसका देखना, ठीक है।
चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन। ओके चलो लेट्स गो, लेट्स गो। तो गाइस रेडी हो जाए जबरदस्त क्वेश्चन के लिए। टबक 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 ओके गाइस, तो लेट्स गो। ओके, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हो, क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। हम लेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, मतलब लेंस भी है इसमें, जैसे कि ऐसा है, देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ऐसे, ठीक है, और उसको यहां से मैंने कर लिया है सिल्वर मिररिंग ऐसे, ठीक है। देखो ये सरफेस हमारा पूरा प्लेन है और ये वाला कॉन्वेक्स का पार्ट है, ठीक है, फाइन। अब इसको अच्छे से बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे इधर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आएगा यहां से यहां वो होगा 20 सेंटीमीटर ऐसे। ओके ना, अभी और क्या क्या दिया है पर तुम चीजें क्लियर करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा सोचना है, समझना है। और एक्चुअली हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, मतलब हमें पोजीशन फाइंड करनी है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है। एकदम ध्यान दो गाइस, एकदम ध्यान देना आप सब लोगों ने, ठीक है, मैं इसको ब्रेक करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से। सो ये फाइंड करने के लिए बोला, और ऑफ कोर्स यहाँ पे इस बार हम चार ऑप्शंस रखते हैं गाइस, मजा आएगा। ए रखते हैं चलो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो बी रखते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी रख देंगे लेट्स से 12 सेंटीमीटर, एंड डी रख देंगे दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है गाइस, सब लोगों ने बहुत ध्यान से, ठीक है, मैं जो धीरे धीरे आप सब लोग को बताने वाला हूँ चीजें, एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है, विल गो स्लो एंड स्टेडी। ओके ना, क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें गिवन है, क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया है लेंस का, वो नथिंग बट 15 सेंटीमीटर है, इतना क्वेश्चन में बताया गया है, जो फोकल लेंथ है लेंस का कितना है वो 15 सेंटीमीटर है हमारे पास। ओके ना, तो आप धीरे धीरे जाते हैं, मतलब लेंस, देखो ये वाला लेंस है ना हमारे पास, उसका फोकल लेंथ दे दिया 15, ठीक है। ओके, अभी चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को ना, डायग्राम थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। लुक एंड लिसन वेरी केयरफुली, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ पूरा। देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास हो गया है कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, और उसके पीछे मैंने क्या लगाया, उसके पीछे क्या लगाया मैंने, सिल्वर मिररिंग लगाया, मतलब यहाँ पे लगाया उसका सिल्वर मिररिंग लगाया, तो मतलब ये जो पार्ट है ना गाइस, मैंने ऐसा दिखाया आपको, थोड़ा ब्रेक करके दिखाया मैंने, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको सिर्फ तोड़ के मैंने दिखाया और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैंने यहाँ। ओके ना, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, वही ऑब्जेक्ट उधर है, सिर्फ मैंने ब्रेक करके दिखाया। उसके सबसे पहले क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इसको हिट करेगा मान लो, ठीक है, और जब इसको हिट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, पता है ना, रिफ्रैक्ट होगा और बेंड हो जाएगा, बेंड, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये ठहरा मिरर तुम्हारा, तो जब वो बेंड होगा गाइस, तो क्या होगा, सीधा रिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ आएगा, समझ रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ आएगा ऐसे कुछ, इसको हिट होगा और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है, बट जब ये पूरा ज्वाइंट होता है तो हमें ऐसा नजर नहीं आता है गाइस, हमें सिर्फ इतना नजर आता है, देखो यहां से नजर ऐसा आएगा तुम्हें, इधर से हिट करेगा रे ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे और यहाँ से आ जाएगा बाहर, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये मैंने आपको ब्रेक करके दिखा,
ये कैसे काम करते, ये कैसे काम करते, कैसे काम करते, मैंने ब्रेक करके दिखाया। अच्छा, सबको क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? एनीवन गाइस, पक्का किसको नहीं है? श्योर? ओके, अब मैं आप लोग कुछ बताने वाला हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये फाइंड करना है। सुन लो मेरी पूरी बात है, मुझे बताओ गाइस, ये पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम जो है वो क्या है? मिरर है। हाँ, मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर ये पूरा सिस्टम तुम्हारा मिरर है और मिरर की तरह काम कर रहा है, तो हमें मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? तो ध्यान से देखना गाइस, धीरे धीरे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे मिरर इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ वन अपॉन एफ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा? यू। यहाँ पे आ जाएगा एफ ई। एफ ई क्यू? एफ ई मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब टोटल फोकल लेंथ जो इसका निकालेंगे, टोटल फोकल लेंथ जो निकालेंगे उसका, ठीक है, वो यहाँ पर डालना है आपने। प्लीज ध्यान दो गाइस, लिसन टू वेरी केयरफुली, हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ बना है, ये वी फाइंड करना, मतलब ये इमेज डिस्टेंस होता है आपका, वो फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया हमें, ठीक है। अब कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से देखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, ठीक है, देखना ध्यान से। ओके, मैं आप लोगों को ये छोड़ के यहाँ पर दिखा दूं, शायद से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा मुझे बताने वाला हूं मैं। लिसन टू वेरी केयरफुली गाइस, नाउ व्हाट इज गोइंग टू एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। देखो, यहाँ पे पावर पी ई लिखता हूं, मतलब पी मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? सब मिला के, ठीक है। चलो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना है, ये समझ लो बच्चों, समझ लो इसको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रे ऑफ लाइट इसको गए, इसको हिट किया, तो ये हमारा लेंस है, क्या नहीं है? लेंस है ना हमारा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास पी एल आएगा जो लेंस का है, ठीक है। फिर ये हिट हुआ और किसको गया? प्लेन मिरर को गया ये, ठीक है, तो पावर ऑफ मिरर आएगा पी एल। ध्यान से देखो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। प्लस फिर रिफ्लेक्ट हुआ, वापस से लेंस पे हिट हुआ, देखो वापस से लेंस पे हिट हुआ, मतलब वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी एल आएगा। समझाए गाइस? मैं तुम्हें रुकता हूं 2 मिनट, समझ लो पहले। गॉट इट? जाए आगे? हाँ सर। ओके, नाउ मैं एक एक चीजों के बारे में तुम्हें बताना शुरू करूंगा, ध्यान देना। ये पावर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? मिरर है। तो यहाँ पे पावर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूरा सिस्टम जो है ये पूरा मिरर है, इसलिए यहाँ पे माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा? एफ ई, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लेंस मतलब ये है हमारा वाला पार्ट, तो सबको पता है वन अपॉन एफ एल आएगा। प्लस ये मिरर है, प्लेन मिरर है, सो वन अपॉन अगेन एफ एम आएगा, बट मिरर को आता है माइनस की साइन। मिरर को क्या आता है? माइनस की साइन आती है गाइस, ठीक है। प्लस अगेन इसको हिट किया उसने, वापस से लेंस आया, तो वन अपॉन ये एफ एल ऐसा, ठीक है। नाउ लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली गाइस, अपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। माइनस वन अपॉन एफ, हमारा मेन एम ये ढूंढना है, अगर ये मिल गया ना, अगर ये मिल गया तो यहाँ डाल देंगे। U तो हमारे पास ऑलरेडी 20 है, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गो डाउन विद दिस वन अपॉन एफ एल। देखो लेंस का तो हमें दे चुके हैं, लेंस से कितना हमारे पास 15 है, राइट? देखो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 15 डाल देंगे प्लस। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं अभी तुम लोग कुछ बताने वाला हूँ, प्लीज सब लोग अपना कान खोल के सुने अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सा मिरर है? ये हमारा कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर है, सबको पता है कौन सा ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में आपका रेडियस नॉट डिफाइन होता है और आपका फोकल लेंथ भी नॉट डिफाइन होता है। कब? व्हेन इट इज व्हाट? प्लेन मिरर। समझ रहे हो गाइस? गॉट दिस? जब प्लेन मिरर होगा तो क्या होगा? रेडियस भी इंफिनिटी और
फोकल लेंथ भी क्या होता है मिरर का, नॉट डिफाइन ही रहता है, तो मतलब इधर भी क्या जाने वाला है, वन अपॉन नॉट डिफाइन प्लस, ठीक है, अगेन वन अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 15 ऐसे, ठीक है। देखो नॉट डिफाइन मतलब ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाता है, ये पूरा टर्म जो दिखा है ना गाइस, देखो नॉट डिफाइन के बाद कोई मल्टीप्लाई करो, कोई डिवाइड करो, तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाता है, तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन एफ ई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वन अपॉन 15 प्लस वन अपॉन 15 ऐसा बचेगा। डिनोमिनेटर देखो सेम है ना, तो ऊपर ऐड करो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 15 ऐसे। तो गाइस ये वाला टर्म है, एफ ई के वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज ये नेगेटिव को लगे तो वहां पे शिफ्ट कर दो, ऐसा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। देखो एफ ई इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 15 ये डायरेक्ट भी उठा के डाल दिया ना गाइस यहाँ पे, फिर भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो फिर डाल सकते हो, वापस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब वन द सेम ही होने वाला है, तो वन अपॉन एफ ई पूरा है ना हमारे पास, डाल दो सीधा वहां पे, यहाँ डाल देंगे माइनस 2 अपॉन 15 डाल देंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन वी पता नहीं है प्लस, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने सब लोग को बताया गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो पहले से मैं आप सब लोग को स्टार्टिंग सिखाता हूँ, तो रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जाती है, रे ऑफ लाइट ऐसी आपकी, और रेडियस कैसे मेजर होने, डिस्टेंस कैसे मेजर होने वाला, ऐसा ऐसा उल्टा डायरेक्शन, देखो ये ऐसा और ऐसा मेजर होगा, ये ऐसा मेजर होगा, तो इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा माइनस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जगह 1 अपॉन माइनस 20 करो, तो जगह माइनस 2 बाय 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 20, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह माइनस 2 बाय 15 होगा प्लस 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन v, हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 20 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा माइनस 40, दिस इंटू दिस हो जाएगा प्लस 15 अपॉन 15 इंटू दिस इज 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन v, ठीक है, माइनस 40 प्लस 15 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 25, तो माइनस 25 अपॉन 15 इंटू 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन v, तो फटाफट कट करें 5 3 जा 15, 5 4 जा एंड दिस इज 4 5 जा, सॉरी एक मिनट, 5 is a 5 plus 25, 5 1 is a 5, 5 4 is a 20, 3 4 से कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आता है 1 upon v equals to 1 upon 12 ऐसा आता है, इसको हम कर देंगे reciprocal ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा minus v equals to 12 centimeter, minus को shift करो v equals to minus 12 centimeter, तो image distance कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो नेगेटिव यहाँ पे तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें एमसीक्यूज में ऐसे पॉजिटिव टर्म्स ही मिलेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए वो एमसीक्यूज में आपको नेगेटिव साइन नहीं डाल के देंगे वहां पर, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, सो वहां पर आपको नेगेटिव का टर्म नहीं मिलेगा, हैव यू गॉट दिस, मुझे बताओ गाइस कितने किसी को भी इसमें डाउट है गाइस, तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री एंड आस्क एनीवन Anyone, किसको भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री एंड आस्क, कुछ भी ऐसा मत सोचो कि सर कुछ बोलेंगे, बता मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझ में आया है तो बता दो, कोई है ठीक है गाइस, तो लिख लो फिर फटाफट, बिंदास हैंड रेज करो, अगर किसको भी कुछ डाउट होगा ना आप सब लोग, किसको भी डाउट होगा तो प्लीज बिंदास हैंड रेज करो, ठीक है फाइन, और मुझे पूछ लो कभी बीच में लगा था, ओके चलो लास्ट सम बाकी गए हमारा, ये फटाफट आप अपने बुक के अंदर कॉपी करो, जबरदस्त और लास्ट वाला सम लेंगे, बहुत मजा आएगा, लिख लो इस अच्छे से, ओके चलो गए सब लोग, तो मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जबरदस्त वाला क्वेश्चन आएगा अभी फिलहाल, ठीक है मैं धीरे धीरे सब बताता हूँ गाइस, अगर थोड़ा टाइम लगा फिर भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके अब देखो ये बुक
टू बुक, ठीक है, और उसके ऊपर ना मस्त कॉनकेव भी डाल देते हैं भाई, मत जाएगा, ठीक है ओके। फिर अब देखो, फिर नीचे हम सिल्वर मिररिंग भी कर लेंगे थोड़ा, टक 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 टक, ओके फाइन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा। नाउ ऑब्जेक्ट मान लो इधर कहीं तो भी रखा हुआ है, ऐसा हमारा कुछ भी प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लो कहीं तो भी इधर रखा हुआ है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, ऐसे बोल के हम चले, ठीक है। ना इसका रेडियस, इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, फाइन, इसका भी जो रेडियस होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन ये जो हमारे पास दिख रहा है कॉन्वेक्स, ये वाला, इसका रेडियस पकड़ के चलो तो 20 सेंटीमीटर है, इसका 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 20 दिया है, इसका 10 सेंटीमीटर यहां से, इसका 10 सेंटीमीटर यहां से, ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इस समय, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, किसका, ये जो कॉनकेव दिख रहा है हमें, ठीक है, फाइन, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें, दैट इज 4/3। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, और आप लोग घपाघप, आप लोग को चार ऑप्शन दे दिए, एक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है मेरे पास, क्वेश्चन कॉपी करते रहो मेरे साथ, 12 सेंटीमीटर, फिर सी है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, डी है मेरे पास 16 सेंटीमीटर, जबरदस्त, ठीक है, अब आएगा मज्जा, ओके गाइस। तो आई थिंक सब मेरे मित्रों रेडी हो गए होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को एकदम धीरे धीरे बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा एक्चुअल डायग्राम दिया है, ठीक है, ऐसे डायग्राम दिया, और अभी मैं आप लोगों को इसको ब्रेक करके दिखाऊंगा, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, उसको मैं आपको ब्रेक करके तोड़ के दिखाऊंगा किस तरीके से एक्चुअली ये एग्जिस्ट होता है हमारा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास कॉनकेव है, ठीक है, देखो मैं एकदम धीरे धीरे तुम्हारे करके देता हूँ मैं पूरा, ऊपर कॉनकेव, नीचे आता है कॉन्वेक्स, ठीक है, फिर नीचे ये वाला कौन सा मेरे बताओ, कौन सा है ये, कॉनकेव, करेक्ट, कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऐसा हमें लग रहा है फिलहाल तो कहानी में ट्विस्ट होने वाला है गाइस, याद रखो तुम, ठीक है, फाइन फाइन। तो अभी यहाँ पे ये लेंस वन बनता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है गाइस, देखो अच्छे से, फिर ये लेंस हमारा टू बनता है, ठीक है, देखो ये फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर नीचे थर्ड वाली लेयर आती है, ठीक है, एकदम ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेट करें। फिर क्या होता है, धीरे धीरे सबसे पहले रे ऑफ लाइट हमारी जाती है इसकी तरफ, करेक्ट, इसको हिट करेगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा और यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, फिर बाद थोड़ा सा और रिफ्रैक्ट होगा तो थोड़ी यहां से चली जाएगी, ऐसे पकड़ के चलो, बराबर, ठीक है, फिर ये तो आ गया मिरर, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसको, तो मतलब यहाँ पे जाएगी ऐसे, अब टर्निंग बैक होता है इसका, ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा तो मान लो पकड़ के चले ऐसे कुछ यहाँ पे जा, थोड़ा सा बेंड करता हूँ ज्यादा नहीं ये, और फिर यहाँ से इधर और यहाँ पे चले जाते, ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब तो बड़ा मजा आएगा, अब यहाँ पे देखना है तुम्हें बहुत ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, लुक एंड लिसन वेरी केयरफुल, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा एकदम ध्यान से,
अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या फॉलो हो रहा है बताओ जरा? मिरर सिस्टम, मिरर है। अब हमें नहीं पता अभी, ये तो दिख रहा है अभी फिलहाल, देखो ये नीचे वाला जो है वो तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लेकिन पूरा सिस्टम टाइप ऑफ कौन सा मिरर है तो पता नहीं हमें फिलहाल। पूरा मिरर सिस्टम जो बना हुआ है, ये नीचे का तो कॉनकेव मिरर है पता है, लेकिन पूरा सिस्टम जो एक्ट हो रहा है मिरर की तरह वो कौन सा मिरर है वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे तुम सब लोगों को बताने वाला, प्लीज सब लोग वहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, पे गुड अटेंशन टू दिस गाइस, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी, मान लो फर्स्ट स्टेप कर लूंगा, फिर यहाँ पे कर लूंगा चलो सेकेंड स्टेप, फिर यहाँ पे मान लो बचा थर्ड स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ मैं, सबसे पहले तुम्हें थर्ड वाली स्टेप बताता हूँ मैं। थर्ड वाली स्टेप मतलब क्या है तुम्हारी? इक्विवेलेंट पावर। यहाँ पर ध्यान से देखना है, सब लोग को समझना चाहिए, पहले रे ऑफ लाइट क्या हुई, लेंस पे गई, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस वन, ये वाली बराबर, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर ये लेंस पे गए तो ये क्या होगा, पावर ऑफ लेंस टू, बराबर, फिर किसको हिट हुआ, मिरर पे हिट हुआ, तो मतलब यहाँ पे क्या देगा, पावर ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद कहानी आती है, ये टच होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, बराबर, मतलब ये लेंस पे चली गई, तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस टू, सबको समझ रहा है गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहा है ना, ये हिट होने के बाद वापस गई, ठीक है, फिर इसको ये इधर की तरफ चली गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस वन, जबरदस्त, ठीक है। अब ये ठहरा पूरा का पूरा मिरर, तो हमारा इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ई होगा, ये लेंस है मतलब फोकल लेंथ वन पकड़ो इसको, ठीक है, इसके वन अपॉन फोकल लेंथ टू पकड़ो, ये मिरर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एफ एम पकड़े, ठीक है, देन यहाँ पे पकड़े वापस से वन अपॉन एफ वन प्लस एफ टू और ये वन अपॉन एफ वन, ठीक है, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मिरर का हमेशा हमारे पास फोकल लेंथ पावर जो कंसिडर करते हैं उसका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब प्लीज ध्यान देना है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो धीरे धीरे के वैल्यूज निकालते हैं। मेरे पास एफ वन है क्या, एफ वन मतलब कौन सा, इसका कौन के मिरर का मेरे पास फोकल लेंथ है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मुझे तो पहले भाई वो निकालना पड़ेगा, अभी निकालते हैं। अब मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ धीरे धीरे सब चीजें, देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले लेंस वन के लिए बात करते हैं जो मेरा यहाँ पे कॉन्केव है, ठीक है ना, ये लेंस है और लेंस की फोकल लेंथ, देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, फोकल लेंथ आपको दी गई थी आपको फोकल लेंथ, अभी आपके पास फिलहाल फोकल लेंथ नहीं है, ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ने वाली है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वन अपॉन एफ वन इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन माइनस वन, ठीक है, सब लोग को याद होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन दिस इज आर वन माइनस वन अपॉन दिस इज आर टू, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सब लोग ध्यान दो, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, देखो नाउ ये कॉनकेव है, ठीक है, ये क्या हमारे पास कॉनकेव है, ठीक है, देखो कॉनकेव की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी गई है, यहाँ पे टू दी गई है, कितना, थ्री अपॉन टू, देखो इसकी, ठीक है। अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये पूरा जो पार्ट है वो किसमें, एयर में, हवा में, हवा में, ये देखो आपको यहाँ से बता, देखो ये पूरा एयर है, ठीक है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी बोली मैंने, वन होती है, ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, जिसमें से आ रही है वन पकड़ना है, जिसमें जा रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू टू पकड़ते हैं, तो म्यू टू कितना दिया है, थ्री अपॉन टू दिया है, मैं बाहर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बाहर म्यू टू दिया है थ्री अपॉन टू, सबको समझ रहा है गाइस, मैं एक ही चीज ले रहा हूँ, मैं सबको समझ रहा है तो प्लीज बताओ, नहीं समझे तो मुझे हाथ हैंड रेस करो या तो अनम्यूट करके मुझे पूछ लो बिफोर आई गो। सर हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कि रेडियस का हाफ होता है ना फोकल लेंथ, एक मिनट, नाउ यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, ये रेडियस का हाफ कब इस्तेमाल करते, जब आपके पास मिरर हो, ये मिरर है क्या, लेंस है, लेंस, हाँ तो लेंस के दिख रहे हैं ना अभी फिलहाल, जब आप मिरर के लिए देखोगे तब आपको हाफ यूज करना है, मैंने पहले तो चेक करो, जो तुम्हें प्रीवियस लिख के यहाँ पे लिख के दिया एफ एम,
इक्वल्स टू आर एम अपॉन टू, देखो ऐसा लिख के दिया है मैंने तुम्हें। ये कब इस्तेमाल करें, जब आप मिरर का फोकल लेंथ जब फाइंड कर रहे हो, तभी जब लेंस का फाइंड कर, तब आपके पास ये वाला ऑप्शन ढूंढने के लिए। समझ रहे हो, अभी समझ रहे हो गाइस, क्लियर है? हाँ सर। ओके गाइस प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? सो लेंस वन के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ गाइस, मैं देखो वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मतलब किसका है, वन मतलब क्या होता है, एयर होता है। अभी एयर के नीचे वन लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो छोड़ दो वहां तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके अब बारी आती है आर वन और आर टू की, ठीक है? अब सबसे पहले बात तो ये गाइस, ये वाला जो कॉनकेव है मेरे पास, यहाँ पे देखो दो है हमारे पास, तो हमें दो रेडियस दिया, देखो 10 दिया है और दूसरा भी 10 ही है हमारे पास, दोनों 10, ठीक है? लेकिन ये वाला रेडियस यहाँ से मेजर होगा, देखो इसके रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी हमारे पास, यहाँ से कहीं तो भी हिट होगी, बराबर, ठीक है? और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं तो भी होगा, विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम इसका क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे -1/10 डालेंगे, ठीक है? और दूसरा रेडियस ये साइड पे होगा ना, ये साइड जो रेडियस बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे 10 डालेंगे, ठीक है? अब देखो अपॉन वन डालो, बहुत देर से कर रहा हूँ एकदम ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 3 3, 2 1 2, 2 1 2, डिनोमिनेटर चेक करो, दिस इज -2/10, 3 - 2 मतलब कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 × -2/10 ऐसा आएगा, सबको दिख रहा है ना, 2 और 2 कट करेंगे इक्वल्स टू -1/10 आता, ठीक है? देयरफोर इसको करेंगे उल्टा, या तो डायरेक्ट डाल दो, कुछ टेंशन की बात नहीं है, 1/F1 की वैल्यू होती 1/-10, मतलब इधर इधर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा -1/10 जाएगा, देखो इधर यहाँ पे, इधर भी ये भी F1 ही है, तो यहाँ पे क्या देगा, -1/10 जाएगा। क्या सबको समझ रहा है गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को? पक्का नहीं है, ठीक है? तो अभी देखो ये तो इसकी बात हो गई, नेक्स्ट बारी आती, इसमें भी तो गया है ना भाई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लेंस आपका आ जाएगा 2, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे आपके पास क्या बना है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, ठीक है? सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बना है, कोई भी लेंस बनता है गाइस, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई भी लेंस बनता है, फोकल लेंथ ढूंढना है, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? हाफ वाला फॉर्मूला आप मिरर के लिए इस्तेमाल करते हो, इसके लिए नहीं, तो वापस ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखो 1/F2 एकदम से ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, -1, ठीक है? फिर बाजू में वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी अगेन 1/ दिस इज R1 -1/ दिस इज R2, ठीक है? सबको समझ रहा है ये? ओके नाउ तो इक्वल्स टू, अब देखो इसके बारे में बात कर, देखो इसके जो रे ऑफ लाइट है वो भी एक पहले एयर में से फिर इसमें घुसती है, बराबर, तो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास, 1 है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स का दिया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, ठीक है? कितना है, 4/3 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे से वैल्यूज को अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/, ये 1 कितना है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कितना है, 1 ही है, तो मत पुटअप का फिर भी चलेगा, इसको जरूरत नहीं पुटअप करने, ठीक है? नेक्स्ट अभी आगे जाते हैं गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, सब लोग अच्छे से ध्यान दे, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? नाउ थिंग इज व्हाट, यहाँ पे चेक करोगे हमारे पास एक R1 है और हमारे पास रेडियस क्या है, R2 है, 2 है, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसी बात आती है गाइस, देखो ये साइड से अगर एक कॉन्वेक्स मिरर का चेक करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 ही आता है, ये एक सेकंड ना गाइस, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये साइड से 10 आता है, दूसरी साइड से क्या आता है हमारा, 20 आता है, ठीक है? सो मतलब यहाँ पे इधर आ सकता है, दिस इज 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा -20, ठीक है? अब आप सोचोगे सर आपने यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस क्यों डाला है, मैं उसका रीजन भी आप लोगों को बताता हूँ, प्लीज सुन लो मेरी पूरी बात सुन लो गाइस, जिन लोगों का कुछ मिस आउट हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्लीज सुनो, लिसन टू मेरी केयरफुली।
जब सर्कल यहां से मैं ड्रॉ करता हूं एस से, ठीक है, तो ये इसके लिए बनता है, ठीक है, तो उसका रेडियस जो है हमारे पास, ठीक है, वो रेडियस इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, आर वन आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट ऐसे हिट होती होगी उसको, ठीक है, तो उसके लिए तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, लेकिन जब ये लेंस वाला बनता है हमारे पास, ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, 20 है, इसका देखो 10 है हमारे पास, इसका रेडियस 20 है, जो बोल देखो यहां से, देखो यहां से ड्रॉ करेंगे हम, देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर, देखो ऐसे 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 ड्रॉ करेंगे तो 20 ये साइड पे आएगा, यहां से ड्रॉ करेंगे तो 10 ये साइड पे आएगा, समझ में आ, देखो रे ऑफ लाइट ऐसी है ना, तो 10 यहां पे आएगा आपके पास, देखो आप चेक करोगे तो यहां से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो 20 मेरा ये इसके लिए, ये लेंस के लिए 20 ये साइड पे आएगा, और ये लेंस के लिए 10 मेरा ये साइड पे आएगा, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया है जो बताया मैंने अभी, प्लस और माइनस चीज बताइए मैंने, कोई है जिसको डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो, एनीवन? नो सर। पक्का क्लियर है एकदम सब लोगों को, लॉजिकली क्लियर करो गाइस, चाहे फिर कोई भी क्वेश्चन हो फिर आप लोगों को समझना चाहिए ये क्यों नेगेटिव है क्यों पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो अपॉन वन, ठीक है, वन फोर जा फोर, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, देखो वन अपॉन टेन, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ट्वेंटी हो जाएगा, फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा वन, सो हो जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू, डिनोमिनेटर देखो इसका सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 ऐसे इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दो फिलहाल, 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30, ठीक है, सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे 30 और ये 20 इंटू 10 रखो, इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, ठीक है, तो कितना बचता है 20 बचता है, देखो 1 अपॉन 20 आता है किसका, 1 अपॉन F2 का 20 आता है, तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 20 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 20 बचेगा, ठीक है। अब तो बारी आती है इंपॉर्टेंट वाली, जो तुम्हारा मिरर वाला है, ये मिरर वाला है, मैं यहाँ मिरर का मेरे पास जगह नहीं है गाइस, वहां पे भी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज आप लोग क्या करना, फर्स्ट सेकेंड ये मैं फोर्थ पॉइंट डाल देता हूँ, थर्ड वाला पॉइंट मिरर का इधर है गाइस, सो एफ एम इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन टू आ जाएगा। अब डिवाइड बाय टू कर, टू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये मिरर है हमारा, ये मिरर है, ठीक है, फाइन, तो इसका मिरर का रेडियस कितना आएगा 20, देखो इसका 20, इसका 20, तो यहाँ पे माइनस 20 अपॉन टू कट करेंगे माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 10 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, अभी देखो हाँ, माइनस देखो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 10 आ जाएगा, जो सेम सेम टर्म पहले कलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये भी 20 ये भी 20 नीचे ना, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 20 ऐसे, ठीक है, और ये माइनस से माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 10 के लिए, ओके। अब देखो नाउ लुक इनटू दिस वेरी केयरफुली गाइस, देखो ये भी 10 है ये भी 10 है ना, सो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 10 कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 20। अच्छा अभी चेक करो, देखो यहाँ पे आई कैन कट दिस आउट, 1 जा एंड दिस इज 10 जा, ओह डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0 आ गया, ये तो भैया इधर तो 0 आ गया। अच्छा अब देखो, अभी तो कहानी में मेन ट्विस्ट आया है, अब देखो तो ये माइनस 1 अपॉन एफ ई जो है वो 0 है, बराबर, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, इसको क्या करूंगा उल्टा करूंगा, उल्टा। अच्छा क्या सब लोगों ने डायग्राम कॉपी कर लिया है क्या, सर डायग्राम? अच्छा कोई था जिसे डायग्राम बाकी था? नो सर। पक्का ना? किसका बाकी नहीं था ना? अच्छा अभी प्लीज देखो, मैं डायग्राम रब करने वाला हूं गाइस, आई एम गोना रब दिस ऑफ, ओके। अब प्लीज देखो लास्ट पार्ट है, एकदम ध्यान से देखो गाइस, खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर भी 2 मिनट में आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखो हां, मैं यहां पे कॉपी करता हूं, माइनस 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 0 आया मेरा। अब मैं करूंगा उसको उल्टा, तो उल्टा जब करूंगा
तो एफ ई इक्वल्स टू, ये नीचे कोई नंबर नंबर वन होता है तो रेसिप्रोकल करने वन अपॉन जीरो आ जाएगा ऐसे, ठीक है गाइस। कभी भी नीचे जीरो आता है ना तो वो नॉट डिफाइन होता है, हमने पढ़ा है ना, ट्रिगो में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है, लोअर क्लास में पढ़ा, जब भी आपके जो जीरो आता है वो आपका नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है आपका नॉट डिफाइन होता है। और मुझे ये बताओ गाइस, कौन सा ऐसा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नॉट डिफाइन आती है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर राइट, मतलब हमें ये समझ में आ रहा है भाई ये तो प्लेन मिरर है, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो मिरर तो है बट कौन सा सिस्टम बना है, पूरा का पूरा तुम्हारा प्लेन मिरर का ही सिस्टम बना है ये। और प्लेन मिरर के सिस्टम के अंदर जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर भी क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। समझ में, इसमें आपको को मिरर इक्वेशन यूज ही नहीं करनी, आपको लॉजिक इस्तेमाल करना था। समझ में आया गाइस मैं क्या बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को? हेलो गाइस। हाँ सर समझा। सब लोग है क्या, गायब हो गए? नहीं है सर, थोड़े शॉक में है, इतना सब करने के बाद यही आंसर आया। सो दैट्स द क्वेश्चन ना, इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन, और ऐसे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस ना हमें बहुत सारे, मतलब जब तुम्हें जब खत्म हो जाएगा तो मैं सब लोगों को वर्कशीट दूंगा, हार्ड कॉपी दूंगा मैं MCQs की इसके, तो इसमें सॉल्व करने गाइस तुम्हारे अब भी अगर लॉजिक क्लियर होंगे ना अभी ये वाले चीजों के लिए तो आई डोंट थिंक तुम लोग को आए कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, तुम्हें लॉजिक क्लियर करो। इसलिए मैंने प्लेन मिरर के बारे में पहले ही तुम्हें क्यों बता दिया जिनको नहीं पता था, या जो लोग को पता था लेकिन वो भूल गए थे, मैंने क्यों बताया फोकल लेंथ आपका नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब प्लेन मिरर में ये तो इन्फिनिटी, अगर फोकल लेंथ आपका नॉट डिफाइन आता है मतलब प्लेन मिरर हो गया, अगर ये प्लेन मिरर है मतलब इनका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होता है, तो लॉजिकली वी टिक करना है और 10 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है गाइस अभी सबको, ये समझ में आया है क्या अच्छे से एकदम? हां यस सर। ओके गाइस ठीक है, गाइस प्लीज लिख लो ठीक है, और तुम लोगों को जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग हुई थी ना मेरे शायद ऑन सैटरडे या फ्राइडे के दिन, वो रिकॉर्डिंग भी आज पुट अप करूंगा ग्रुप पे मैं, और ये वाले भी रिकॉर्डिंग दोनों साथ में पुट अप करूंगा, तो दोनों लेक्चर एकदम साथ में देख लो, बिकॉज के अंदर भी न्यूमेरिकल पढ़ा था मैंने लास्ट लेक्चर में और इसमें भी न्यूमेरिकल लिया है मैंने ठीक है। चलो गाइस लिख लो फटाफट, और आज हमारा एक्चुअली सिल्वर मिररिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया।